Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, beta? Fine, alhamdulillah. Okay, आज हम अपना unit number 7, composition of matter, और lecture number 4. ठीक, what is matter? Matter क्या है आपके पास? Anything which has weight and occupies space is known as matter. कि हर चीज इस universe की क्या है? Matter है. फिर हमने matter की further classification की, elements, compounds, मिक्सचर. आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एलिमेंट्स है. एलिमेंट्स इज अ टाइप ऑफ मैटर. दे आर द सब्सटेंसेस दैट इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. एलिमेंट्स क्या हैं? कि जिनके अंदर तमाम एटम्स एक ही तरह, यानी उनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एक ही तरह के एटम से मिलके जो चीज़ बनती है, जो सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं. आप यहाँ देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये गोल्ड. इसको हम गोल्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर जितने भी एटम हैं, करोड़ों के हिसाब से इसमें एटम हैं, लेकिन तमाम के तमाम एटम्स गोल्ड के हैं. इसलिए ये सब्सटेंस क्या कहलाएगा? एलिमेंट्स कहलाएगा. अब तक हमारे पास 117 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं. आउट ऑफ 117, 90 एलिमेंट्स नेचुरली जो हमें कहाँ से मिले हैं? अर्थ क्रस्ट से मिले हैं. आपने पढ़ा है ना कि अर्थ की भी लेयर है, वेरी फर्स्ट लेयर, जहां आपको क्या मिल रहे हैं? आपके एलिमेंट्स मिल रहे हैं. और 23 ये साइंटिस्ट ने खुद से बनाए हैं. दे आर, दीज आर आर्टिफिशियल. तो 117 टोटल, 90 नेचुरल और 23 आर्टिफिशियल. ओके, इसके अलावा अब हम क्लासिफिकेशन पे आते हैं एलिमेंट्स की. एलिमेंट्स को भी दो मेन ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स क्या हैं? जनरली दे आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी. दे आर लस्ट्रस एंड शाइनी. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. चले हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं मेटल की. ये देखें, जैसे कॉइन है, ये सॉलिड भी है और शाइनी भी है, गोल्ड है, मैग्नीशियम है. और ये देखें, एक्स हमने मरकरी की बात की थी कि इसकी सरफेस भी कैसी होती है? शाइनी होती है. लेकिन ये वो वाहिद मेटल है जो हमें किस फॉर्म में नज़र आता है? लिक्विड फॉर्म में नज़र आता है. और वायर्स के बारे में तो आप जानते हैं कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हमारे घरों की जो वायरिंग है वो कॉपर मेटल से इसीलिए हुई हुई है कि वो दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हैं नॉन मेटल्स की तरफ, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कार्बन, सल्फर और क्लोरीन की. नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? ये इनके स्टेट ऑफ मैटर अगर हम देखें तो हमें तीनों स्टेट्स से मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. बट जनरली दे आर गैसेस एंड सम आर लिक्विड्स, बट सम आल्सो आर सॉलिड्स. यहाँ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं. ये देखें, सल्फर गंधक जो आपने देखी होगी, इसकी सरफेस देखें, शाइनी नहीं है. दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ना ही तो ये लस्ट्रस और शाइनी है और ना ही ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, बल्कि दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. कोयला तो देखा है ना आप लोगों ने, ये देखिए चारकोल, ये भी देखिए इसकी सरफेस भी कैसी है, ना तो लस्ट्रस है ना शाइनी, और दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. चलिए अब ये जो मेटल्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. और इनके जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सिंबल. सिंबल क्या है? दे आर द एब्रीविएशन यूज टू राइट द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स. यानी एलिमेंट्स को उनकी शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए जो तरीका है वो क्या कहलाता है? सिंबल कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन की स्पेलिंग में 8 अल्फाबेट है, लेकिन इसका सिंबल क्या है? सिर्फ एच. इसी तरह सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या है? एन ए. यहाँ हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स देख लेते हैं और उनके सिंबल भी. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको आगे जाके याद रखने भी हैं और याद करने भी हैं. ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन, सिंबल क्या है इसका? एच. अच्छा, अब देखिए साइंटिस्ट ने जब इन एलिमेंट्स के सिंबल दिए थे तो कुछ रूल्स को फॉलो किया था. क्या क्या उसके स्टेप्स हो सकते हैं या क्या क्या पॉइंट्स हैं? कुछ तो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका सिर्फ फर्स्ट लेटर लिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके फर्स्ट टू लेटर्स लिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हीलियम, एच ई, लीडियम, एल आई, बेरेलियम, बी ई.
समटाइम्स ऐसा भी होता है कि फर्स्ट लेटर के साथ कोई और लेटर ले लिया जाता है, जैसे कि क्लोरीन। क्लोरीन में फर्स्ट लेटर सी और उसके बाद एल। इसी तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास मैग्नीशियम की, जिसमें फर्स्ट अल्फाबेट के बाद हमने क्या लिया है, जी। और फोर्थ स्टेप क्या है हमारे पास, या फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, कि लैटिन ने जिन नामों से एलिमेंट्स को वो जो कहते थे उन्हीं को आज भी हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं सोडियम को, सोडियम का सिंबल क्या है, Na, क्योंकि सोडियम का लैटिन नेम है नेट्रियम। इसी तरह से आप आ जाइए पोटेशियम, सिंबल तो है उसका K, लेकिन इसका लैटिन नेम क्या है, केलियम। आप गोल्ड और सिल्वर के बारे में अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं, गोल्ड का सिंबल क्या है, Au, क्योंकि इसका नाम क्या है, ऑरम। और मरकरी जिसका सिंबल है Hg, क्योंकि इसका लैटिन नेम है हाइड्रोगायरम। सिल्वर इसका सिंबल है Ag, क्योंकि इसका लैटिन नेम क्या है, ऑर्गेंटम। हम इस टेबल को देख लेते हैं कि इस टेबल में क्या है। टेबल में सबसे पहली हेडिंग क्या है, एलिमेंट्स, सिंबल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और मास नंबर। एज वी नो दैट मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये देखिए अब तक हमारे पास 117 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन यहाँ हम सबके सिंबल्स को नहीं याद कर रहे, हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के सिंबल को देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन सिंबल क्या है इसका, H, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कोई नहीं या 0, और अगर मैं प्लस करूं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तो न्यूट्रॉन तो है ही नहीं और प्रोटॉन सिर्फ इसके अंदर एक ही है, तो क्या आ जाएगा आपके मास नंबर 1। इसी तरह हीलियम को देखें, हीलियम का सिंबल क्या है, He, नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर क्या है 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2। अब आप सम कर दीजिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम क्या आ जाएगा 4। इसी तरीके से लिथियम को देखिए, सिंबल क्या है Li, नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो 3 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 4। तो प्लस करें मास नंबर कैसे निकालेंगे, के प्रोटॉन 3 प्लस कर दें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में जो क्या है 4, तो आपका टोटल मास नंबर क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। अब आपको ये टेबल लर्न करना है, तमाम एलिमेंट्स इनके सिंबल, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड मास नंबर। परेशान मत होइए ना घबराइए, हम छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं। आप सिर्फ इस कॉलम को फोकस कीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर को और मास नंबर, ये दो चीज़ें, ये दो टेबल्स आप अगर लर्न कर लेंगे तो बीच के जो दोनों कॉलम्स हैं वो आराम से फिल हो जाएंगे। कैसे, देखिए हम ये कहते हैं कि एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिल्कुल इसी तरह जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर हैं सेम उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ एक कॉलम हो गया आपका फिल, अब देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे आप, ये तो सेम नहीं आ रहे, उसको निकालने के लिए भी यहाँ एक फॉर्मूला यूज हुआ हुआ है, ये देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। और आप चूंकि मास नंबर भी लर्न करेंगी और एटॉमिक नंबर भी लर्न करेंगी तो आप इजीली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट कर लेंगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम की, कल आपने की भी है, सोडियम का मास नंबर क्या है 23 और एटॉमिक नंबर क्या है 11, 23 माइनस 11 तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 12। चलिए जी हम यहाँ देख भी लेते हैं, सोडियम मास नंबर क्या है इसका 23 और एटॉमिक नंबर क्या है सोडियम का 11, जब हम माइनस करें तो आंसर आ रहा है 12, ये देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए। दूसरी एग्जांपल देख लीजिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का मास क्या है 27, एटॉमिक नंबर क्या है 13, 27 माइनस 13 आंसर क्या आ रहा है 14। चलिए जी चेक करते हैं एल्युमिनियम में, ये देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए 14। इस तरीके से आप इन दोनों कॉलम्स को फिल कर लेंगी, यानी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए आप इस फॉर्मूले से हेल्प लेंगी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, और इस तरह से आप अपना ये कॉलम भी फिल कर लेंगी। चलिए अब आइए होमवर्क की तरफ,
होमवर्क क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर वन का बी पार्ट। और बी पार्ट के भी सब पार्ट हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू एंड क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम यूनिट नंबर 7। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आप डेली जो भी लर्निंग या रिटन वर्क आपको दिया जा रहा है आप उसे टाइम टू टाइम याद कर रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसको याद कीजिएगा, 10-10 करके याद कर लिए, एक दिन में 10 याद कर लीजिए और नेक्स्ट डे भी 10 याद। अच्छा जी, अब आ जाइए बुक की तरफ। बुक में कहाँ मौजूद है, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट वन एंड पार्ट टू, ये दोनों पार्ट आपने करने हैं और क्वेश्चन नंबर 10 करना है। और देखिए क्या आपको ये किस तरह से करना है, जर्नल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट बी पार्ट वन और पार्ट टू, ये देख लें आपको इस तरह से डेफिनेशन करनी है और यह आपको इस तरह चार्ट बनाना है एलिमेंट्स और उसके सिंबल का। यह आपका क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट बी पार्ट वन और पार्ट टू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, जो आपको एलिमेंट्स उनके लैटिन नेम और सिंबल करने हैं। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप कर लेंगी क्योंकि कुछ अभी हमने बोर्ड पे भी पढ़े और आप अपनी प्रीवियस क्लास में भी ये करके आई हैं। ओके, इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे। अल्लाह।